इंदौर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नई उड़ान भरेगा, क्योंकि इसका बीड़ा उठाया है इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने, जिन्होंने सेवा मित्र परिवारों के बच्चों के लिए प्रवासी भारतीयों के जरिए ई बेस्ट लर्निंग की शुरुआत की और शहर की जनता के हर व्यक्ति के बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने का वादा किया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। क्षेत्र में भी इंदौर बनेगा नंबर वन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लिया टास्क। नया बसेरा की प्राइमरी स्कूल को दी सौगात। ई बेस्ट लर्निंग की महापौर ने की शुरुआत। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर को स्वच्छ बनाने के साथ ही शिक्षित बनाने का भी संकल्प लिया है, जिसके तहत उन्होंने शहर के नया बसेरा स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 19 में ई बेस्ट लर्निंग की शुरुआत करने के साथ ही कंप्यूटर लैब का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रवासी भारतीयों का भी सहयोग लिया गया। नया बसेरा बस्ती का ये स्कूल पूरे इंदौर के लिए प्रेरणा का स्थान है। शेखर बस्ती को हटाकर जब ये यहाँ शिफ्ट किया गया था तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, उस निमित्त ये स्कूल बनाया गया था। और आज इसका महत्व और इसलिए है कि प्रवासी भारतीय जो नॉन रेसिडेंट इंदौरी हैं उनसे जब लगातार बात हो रही थी तो उन्होंने ई सिलेबस के माध्यम से यहाँ ई लर्निंग के लिए सुविधाएँ नगर निगम के साथ मिलकर देने के लिए कहा था। माननीय श्रीमाल जी ने भी 15 अपने कंप्यूटर्स यहाँ दिए हैं, तो आज कंप्यूटर लैब और ई लर्निंग की सुविधाएं यहाँ शुरू हुई हैं, जिसका मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि नीचे की क्लास में एक मॉडल उसका आप ज़रूर देखें। अच्छा, मुझे यहाँ जाके एक जानकारी और लगी कि इंदौर की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एम्प्लॉयज़, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी यहाँ सेवार्थ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक मॉडल स्कूल है जहाँ इंदौर के सेवा मित्रों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसमें आज ई बेस्ड लर्निंग का सिलेबस भी हमने शुरू किया है, कंप्यूटर लैब भी शुरू की है। तो इंदौर स्वच्छता के साथ साथ शिक्षा में भी अब नंबर वन होने वाला है। इस दौरान MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, राकेश जैन समेत स्थानीय BJP कार्यकर्ता और स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।